हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर एम अंसारी, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वक्त एकेडमी। बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चलें देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारे पास C2H5OH। ये रिएक्शन करता है K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम में, और फिर ए बनता है, फिर एक ही रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ H2SO4 मतलब एसिडिक मीडियम में कराई जाती है। तो ए और बी हमसे पूछे गए कि क्या बनेंगे, ये हमारे पास ऑप्शंस है। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। बेटा ये है अल्कोहल, एक बात हमने आपको बताई होगी, उस बात को फिर से रिपीट कर देते हैं। पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, किससे बेटा, ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तब बता रहे हैं बेटा, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन। ठीक, अब इसी का उल्टा अगर आप चलोगे, इसका क्या करा दोगे, रिडक्शन करा दोगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा। तो ये सीरीज याद रखिएगा, एल्डिहाइड अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के कन्वर्जन आसानी से हो जाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये जो अल्कोहल है आपका कौन सा अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो बस इसी बेसिस पर ये क्वेश्चन है। अब देखो एक चीज और भी है, अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुक जाएगी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पीसीसी जो एजेंट होता है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू द एल्डिहाइड। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं तो ये अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। K2Cr2O7 या KMnO4 जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। याद ये रखना है कि KMnO4 एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन दोनों मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन ये K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ना। तो चले खैर, अल्कोहल है हमारे पास, तो बताओ ये ऑक्सीडाइज होकर के ये बनाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या बनेगा हमारे पास, वो बनेगा CH3CHO। क्या बनेगा बेटा, CH3CHO, और CH3CHO फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये बनाएगा CH3COOH, है ना। तो ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, कॉमन नेम इसमें लिखे गए हैं ऑप्शंस में, तो ये हमारा एसीटैल्डिहाइड है। कौन सा है, एसीटैल्डिहाइड है। और बताओ ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना है वो कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है। कौन सा एसिड है बेटा, एसिटिक एसिड है। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा एसीटैल्डिहाइड और एसिटिक एसिड पर जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 पर जाएगा। उम्मीद है कि ये कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में मैंने खाली क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आपको काफी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, उन कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, वो आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।